निशा तुम कॉलेज में नहीं हो ना? हाँ भैया, मैं एक जरूरी काम से क्रिस्टल हॉस्पिटल आई हूँ। क्रिस्टल हॉस्पिटल? आप मुझे यहाँ से पिक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। सॉरी सर, आंखें कैसी थी? वही आदमी है डॉक्टर, एडमिट का लेवल चेक, यही कातिल का चेहरा है। और क्या मेरे भाइयों को मारने वाला यही है? यही है, ढूंढ निकालो इसे। सर मुझसे गलती हो गई, इस स्केच को बनाते वक्त ना मेरे भाई का फोन आ गया था, शायद इसी वजह से मैंने भैया का स्केच बना दिया। सॉरी सर, मेरे भैया एक बहुत ही अच्छे इंसान है, एक बार फिर से डिटेल्स लेती हूँ और फिर बनाती हूँ। तुम्हारा भाई है? जी सर। फाइन सर, पर मेरे भैया गलत नहीं हो सकते। यस यस, तुम डरो मत। इस वक्त कहाँ है वो? हाँ, वो मुझे लेने के लिए यहीं पर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ यहीं आ रहे हैं। जी सर, मेरे भैया एक नेक इंसान है। रिलैक्स, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, तुम तो एक बहुत ही मासूम लड़की हो। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह मासूम ही दिखता है, जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। रिलैक्स डियर, बैठो, सिट। भैया आ रहे हैं ना? जी सर। कॉल हिम। भैया, आप मुझे लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं ना? भाग्य अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ हमारा इरादा ही अंजाम के लिए जिम्मेदार होता है। मैं अपने भाई के कातिल को मौत के घाट उतारना चाहता था, ये मेरा कन्विक्शन था। मेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि भाग्य खुद उसे चलाकर मेरे पास ले आ रहा है। वो आ रहे हैं ना? हाँ, वो आ रहे हैं। चलो त्रिशा। मेरे भैया ने कुछ नहीं किया है। डरो मत त्रिशा। सर ये सब क्या है? सर नहीं 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 भैया। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सर सर प्लीज हमें जाने दीजिए। सर हमें छोड़ दीजिए प्लीज, आपको गलतफहमी हुई है सर। सर प्लीज हमें जाने दीजिए। सर ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया। आपके भाइयों के मर्डर से इसका कोई मतलब नहीं है। प्लीज सर इसे जाने दीजिए सर, प्लीज। इसे जाने दीजिए सर, जा जा तुम जा। थैंक यू सर, आपका परिवार खुशहाल रहे सर, आपका बेटा खूब तरक्की करे सर, भगवान आपको खुश रखे सर। चलो त्रिशा मुझे माफ कर दीजिए सर। कोई फैमिली वाला गायब है? हाँ सर। और तुम डर गए? इसने आप जैसे माफिया को हिला दिया, आपको कोलकाता आने पर मजबूर कर दिया, आपके दोनों भाइयों को मार दिया। क्या वो मेरे बेटे को छोड़ देता? वो बहुत खतरनाक आदमी है सर, बेरहम है। सर आपके माथे पर पसीना। ये सब मेरी ही गलती थी। अब वो सब भूल जाओ त्रिशा, ये कुछ और ही मामला है। ये क्या है भैया? छोड़ो ना, हमें इन सब से क्या। तुम्हारे एग्जाम्स ठीक से हो गए? बस इतना ही बहुत है। हेलो श्वेता, कहाँ हो तुम? हाय, जल्दी आओ। हाय, मुझे कुछ काम है तो मैं बस अभी आता हूँ, त्रिशा का ख्याल रखना। गणेश, गणेश क्या हुआ? राहुल कोलकाता पहुँच गया है, मैं नहीं जानता वो कब और कैसे अटैक करेगा, मेरी बहन का ख्याल रखना। हाँ बोल। तू मेरी नाक के नीचे से अपनी बहन को ले गया, अब मैं ठीक उसी तरह तेरी नाक के नीचे से तेरी बहन को वापस छीन लूंगा।
त्रिशा, त्रिशा कहाँ है? उसने तो कहा कि आपने उसे बुलाया है, क्या वो आपके पास नहीं आई? तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया? क्या हुआ है? वो मैंने उसे बुलवाया था, ग्राउंड फ्लोर पर कुछ खरीदना चाहती थी, अब मैं उसे ढूंढ लेता हूँ। चला जा। कहाँ? जहाँ मैं तुझे बुलाऊं। त्रिशा ठीक तो है ना गणेश? त्रिशा को कुछ नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। अगर मैं लौट कर नहीं भी आया तो त्रिशा जरूर आएगी और तुम उसकी शादी अपने भाई से करवाओगी। त्रिशा कहाँ है? उसे मेरा झूठ सुन के तेरी रूह कांप गई तो मेरा क्या हुआ होगा? बेरहमी से मारा तूने मेरे भाइयों को, मेरे ही आदमियों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। सल्यूट करता हूँ। जानता है तेरी बहन को मेरे पास कौन लेकर आया? तेरी जानकारी के बिना मैंने उसे तेरी टैक्सी में डलवा दिया। त्रिशा! 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 जिसे बचाने के लिए तू इतना तड़प रहा है, जिसके लिए तू उम्र भर रोने वाला है, उसे मुझ तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं तो खुद है। हाँ तो खुद। जैसे ही तेरी बहन को ले जाने वाली शिप पोर्ट को छोड़ देगी, उसके बाद मैं भी नहीं जान पाऊंगा कि वो शिप कौन से देश में जाने वाली है। ये दस्तूर है इस धंधे का। वहां हवस के पुजारी लड़कियों के व्यापारी हैं। हर दिन उसकी इज्जत की बोली लगेगी, हर रात एक नया पति, और ये सब कुछ तेरी वजह से। ये सच तेरी आत्मा को छलनी छलनी कर देगा और तब तक तू जी लेगा। हिम्मत रखो त्रिशा, अब क्या दिख रहा है बताओ? हम ईडन गार्डन के पास हैं। मैं ईडन गार्डन पहुंच गया हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ रहा है। जल्दी आइए भैया। बहुत सारी बसेस हैं, शायद बाबूघाट बस स्टैंड है। कार ने अभी एक मस्जिद को क्रॉस किया है। शायद श्याम गार्डन है, प्लीज जल्दी आइए। कार एक ट्रैफिक जाम में रुक गई है, अभी तक ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। भैया आप कहाँ हैं? जल्दी आइए। आप क्या दिखा है त्रिशा? जल्दी बताओ। चलो बाहर की तरफ देखने की कोशिश करो।
मुझे आप दिख रहे हैं भैया, मैं आपको देख सकती हूँ। कहाँ हो तुम? तुम्हें मेरा चेहरा दिख रहा है या मेरी पीठ दिख रही है? मुझे आपका चेहरा दिख रहा है। त्रिशा, कार के पिछले हिस्से में एक बॉक्स होगा। उसमें कितनी तारे हैं बताओ? दो तारे हैं। अब सुनो त्रिशा, दोनों तारे काट दो जल्दी। मैं नहीं काट पा रही भैया। कोशिश करो त्रिशा, सिग्नल चेंज होने वाला है, जल्दी करो, ग्रीन सिग्नल होने वाला है। नहीं हो रहा। फिर कोशिश करो, जल्दी करो, तार काटो त्रिशा। त्रिशा, मुझे तुम्हारी कार दिख रही है। हाँ? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ त्रिशा, मैं आ रहा हूँ। जब तेरी बहन की गाड़ी इस रोड को क्रॉस करेगी, उस वक्त वो एक अय्याशी का सामान बनके रह जाएगी। त्रिशा! और चिल्ला, चली गई बहना। सर मुझे मत मारिए सर, सर मुझे मत मारिए सर, बहुत लग रही है सर, सर सर मुझे जाने दीजिए सर,
सर प्लीज मत मारो सर, सर सर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए सर, सर प्लीज भैया को मत मारिए, सबूत कीजिए सर। तेरे दिए घाव से ज्यादा तेरा नकली गिड़गिड़ाना मुझे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। मैं तेरी आंखों में खून के आंसू देखना चाहता हूँ। मुझसे नहीं होगा, इसे मार दीजिए, मार डालो भैया। फिर अपनी बहन के लिए तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ता।